प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की चुनौतियों से निपटने तथा संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी KVZN पांडियन, AD हेल्थ डॉक्टर JM मणि त्रिपाठी, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में COVID-19 के कार्यों की समीक्षा की और कहा कि टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया जाए तथा उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पर प्रभावी अंकुश लगाने में कुछ जिले नाकामयाब साबित हो रहे हैं, इसलिए उन जिलों पर विशेष ध्यान की जरूरत है। कोरोना के इलाज में किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो पूरे प्रदेश में 5,722 आए हैं, उनका लगभग 42% है, और अगर हम आज का डेथ्स देखें तो जो पूरे प्रदेश में 77 डेथ्स हुए हैं, उनमें से इन्हीं 9 जिलों में 40 हैं, जो कि लगभग 52% होता है। और अगर हम ओवरऑल देखें इन 9 जिलों में, तो अभी तक जो प्रदेश में कुल केसेस आए हैं प्रारंभ से मार्च से अभी तक, उसका लगभग 40% इन 9 जिलों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और डेथ्स जो है, डेथ्स में लगभग 48.3% इन 9 जिलों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है पूरे प्रदेश के डेथ्स का। तो उसी के लाइट में, उसी के प्रकाश में आज की यह वीडियो कॉन्फ्रेंस बनाई गई है कि जो आप काम कर रहे हैं, कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को कई बार हम लोग से कहते हैं कि आप लोग फील्ड में मेहनत से करना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ चीजें जो बहुत आवश्यक हैं, जैसे कि सैंपलिंग जब आप कर रहे हैं एंटीजन से और RT-PCR से, तो सैंपलिंग आपकी फोकस हो, क्वालिटी सैंपलिंग हो, ताकि केसेस जो उसका मिक्स है RT-PCR का और एंटीजन का, वो भी हेल्दी मिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि केवल एंटीजन टेस्ट करवाएं और RT-PCR बहुत कम करवाएं, तो वो 70-30% जैसा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा आपको बार बार लिखते रहते हैं, एक 70-30% का एक रेशियो उतना भी मेंटेन करना चाहिए। उसके अलावा जो सर्वेलेंस है और जो आपके ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, जो भी हॉस्पिटल्स ट्रीट कर रहे हैं सीरियस पेशेंट्स को या क्रिटिकल पेशेंट्स को, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर दवाइयाँ मिले, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को समय से अटेंड करें, रेगुलर राउंड्स हों, इन सब इश्यूज को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 9 जिलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई है, जहां पर मैं अनुरोध करूंगा। देखिए, मेरे साथ में विभाग के और चिकित्सा शिक्षा के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, लखनऊ की जिससे विशेष रूप से हम लोगों ने जिन्हें नोडल अधिकारी के रूप में यहाँ पे इस समय जो अपना सहयोग कर रहे हैं, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज भी यहाँ पर मौजूद हैं। 9 जनपद हमारे लिए विशेष चिंता का विषय बने हुए हैं, का जो रेट है वह 12.4% है, कानपुर में 8.3% है, वाराणसी में 6.7% है, और प्रयागराज में फिर गोरखपुर में 6, मेरठ में 7.2, मुरादाबाद 4.8, झांसी 6, सहारनपुर 4.6%, और अगर हम पूरे प्रदेश का देखेंगे तो यह 4.5% है। ओवरऑल अगर हम पूरे स्टेट का देखें तो अगर CFR को देखें तो पूरे प्रदेश के अंदर यह अगर आज के दिन पर हम देखें तो 1.3% है, लेकिन अन्य उसमें देखें मकमो में अकेले सितंबर माह में 250 मौतें हुई, कानपुर में 164, वाराणसी में 60, गोरखपुर में 82, मेरठ में 81, मुरादाबाद में 31, झांसी में 38 और सहारनपुर में भी 38, ये केवल सितंबर महीने में हुई मौत है। टेस्ट बढ़े हैं, लेकिन टेस्ट की क्वालिटी पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। अगर हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं है तो फिर टेस्ट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बहुत सारे जनपदों में नहीं, हमने सर्विलांस को बेहतर करने के लिए सभी जनपदों से इस बारे में कहा था कि वे अपने अपने जनपदों में
इस बात को सुनिश्चित करें कि बेहतर सर्विलांस डेथ रेट को जनपद में कंट्रोल करेगा, उसको नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसका भी अथवा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बहुत सारे जनपदों में अभी भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने 9 जनपदों को बुलाया है। 9 जनपदों में हम लोगों ने जो वहां पे L2 और L3 के जो भी हमारे कोविड हॉस्पिटल हैं, उनके प्रिंसिपल या उनके डायरेक्टर या उनसे जुड़े हुए VC हैं, उनको भी हम लोगों ने इस VC में मैंने बुलाया है विशेष रूप से। मैं इसकी शुरुआत लखनऊ से ही करूंगा। आपके प्रयागराज में मैंने पहले ही कहा था या तो यूनाइटेड के उसको ले लें, आपको अन्य कोई भी इसलिए हाईकोर्ट बार बार सर मित्तल कॉलेज में सर इस हमारे पास 240 बेड अवेलेबल है और उसमें 136 बेड का स्कूल से हमारे पास अवेलेबल है सर, और 200 बेड का जो मेरा इंडियन कोविड हॉस्पिटल हमारा रेडी है सर, उसमें वन से वन का ऑप्शन का इशू नहीं है, तो हमारे पास उसको मिला सर 280 का इसको हमारे पास रेडी है सर। ट्रेंड मैन पावर आ गया पूछना चाहता हूँ, क्या थोड़ा बताइए क्या मामला है, शिकायतें क्यों आ रही हैं फिर आपके प्रयागराज से? प्रयागराज में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कुंभ वाला है उसमें शिफ्ट वाई नहीं हुआ सर, उसमें शिफ्ट हो गया सर, और इसमें डॉक्टरी मजबूत कर दी गई है, साथ में एसआई इंस्टॉलेशन से पॉजिटिव DC के अलग से लगा दी गई है, तो हमारे न्यूरो टीम है उसके साथ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आपके यहाँ भी काफी पुअर है सर, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फ्री हम सुधार दे रहे हैं सर, इसमें इसमें दो से और दो जरूर है सर, और इसमें भी इसमें डबल कर दी गई है। एलएनआर एम मेडिकल कॉलेज मेरठ गोरखपुर इसको नोट करें, हमने पहले कहा था हर जनपद में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को एक्टिव करने के लिए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को एक्टिव करते हुए इस बात को सुनिश्चित करें कि हर एक जनपद में इन चीजों को हम लोग बहुत प्रभावी करें। एक डिप्टी CMO या एडिशनल CMO स्तर के अधिकारी को केवल प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के साथ जुड़े ड्यूटी लगाइए, होम आइसोलेशन को इस शर्त के साथ ही अलाउ किया जाना चाहिए कि उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर होगा, ऑक्सीजन लेवल की जानकारी या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आप कर दें या आप लोग उनसे दें या वो स्वयं वहां जानकारी दें। तीसरा, बेहतर सर्विलांस से समय से पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था ये सुनिश्चित करवाइए, आखिर कहीं ना कहीं कोई कमी है या तो सर्विलांस आपका पुअर है या फिर हॉस्पिटल में लापरवाही है, और जवाबदेही हर एक स्टेज पे तय होनी चाहिए।
केवल एक औपचारिकता नहीं बननी चाहिए और जिस भी स्तर पर लापरवाही है वहाँ पे जवाबदेही सुनिश्चित किया जाए इस प्रकार के बारे में। इसके अलावा बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस चीज को सुनिश्चित करें कि जितने बेड वहाँ के लिए आइसोलेशन के भी और आईसीयू के भी आपके पास मौजूद है इन सबको क्रियाशील करके तैयार करके रखें। आपके पास गोरखपुर में बेड्स की कमी नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि पर्याप्त मात्रा में बेड्स वहाँ मौजूद हैं। ये चीजें इस बात को दिखाती है कहीं ना कहीं आप लोगों के स्तर पर लापरवाही है जो आप लोग बहाने वाली बात में करते हैं कि बेड मौजूद नहीं है। पर्याप्त मात्रा में आपके पास आइसोलेशन के भी आईसीयू के बेड भी मौजूद हैं, आपके पास वेंटिलेटर भी है, एसडीयू के भी वहाँ पे बेड्स आपके पास मौजूद है, उन्हें केवल क्रियाशील किए जाने की आवश्यकता है और पूरी जवाबदेही के साथ उसको करें। सीनियर फैकल्टी निरंतर राउंड लें, सीसीटीवी कैमरा लगा करके उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इन चीजों को वहाँ पे सुनिश्चित करवाए। उनके पास क्षमता है, कर सकते हैं।